गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू आई थिंक ऑल आर फाइन सो इस वीडियो में हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग तो एक फ्रेंड्स पूछ रही थी कि मैम इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हर एक एग्जाम में आते हैं और इनसे ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थोड़े सा पॉइंट चेंज करते ही आपके माइंड से बिल्कुल स्लिप हो जाता है क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स को आप छोड़ देते हो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको कब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे वहाँ पर आप देखोगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं इसीलिए उनकी वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपकी करवाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो आ, आप करते हैं, हम कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता किन का नोन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन का तो ये क्या हो गई लिमिटेशन हो गई तो अब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि कोई इंप्लॉयमेंट निकल जाता है उसकी अकाउंटिंग में एंट्री नहीं की जाती ठीक है तो ये किस लिमिटेशन के अंदर आता है तो ये हमारी नॉन मोनिट्री इन्फॉर्मेशन नो रिकॉर्डिड ठीक है ये हमारी या फिर ये हो सकता है कि ओनली मोनिट्री इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ठीक है तो ये हमारी क्या बन जाती है फिर अकाउंटिंग की लिमिटेशन बन जाती है उसके बाद है विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल पॉसिबल है विंडो ड्रेसिंग क्यों क्योंकि क्या कर सकते हैं हम अगर हमें प्रॉफिट कम दिखाना है प्रोविजन्स बढ़ा देंगे हम ठीक है और अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो जो लॉसेज हैं एक्सपेंसिज हैं उनको क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते है? चेंज कर सकते हैं उसको अच्छे से अच्छा दिखा सकते हैं जैसा हमें चाहिए नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइज लेवल चेंज प्राइज लेवल चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा जो भी चीजें लिखी लिख, लिखी जाती हैं एसेट्स वगैरह जो भी हैं सारे किसके ऊपर लिखी जाती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर लिखी जाती है क्यों क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मैथड को ही हमारा जो अकाउंट्स है वो फॉलो करता है तो प्राइज लेवल चेंज का तो कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता ही नहीं है और हालांकि अगर हमें राइट right प्रॉफिट निकालना है तो हमें जो प्राइस लेवल चेंज है उसको ध्यान में रखना चाहिए बट क्योंकि हिस्टोरिकल मेथड्स यूज किया जाता है तो ओनली हिस्टोरिकल ही हम क्या करते हैं वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग मैथड कमी होती है किसकी यूनिफॉर्मिटी की यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि कोई कंपनी कुछ मेथड्स को फॉलो करती है अब जैसे डेप्रिशिएशन के मेथड्स हैं बहुत सारे हैं कि कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड्स को यूज कर रही है कोई कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज कर रही है इसी तरह स्टॉक के कोई लिफो मेथड्स को यूज़ कर रहा है कोई फिफो मेथड्स को यूज कर रहा है तो यूनिफॉर्मेटी की क्या होती है कमी होती है जब हम क्या करते हैं डाटा को रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद सब्जेक्टिव मेथड सब्जेक्टिव मेथड कैसे है सब्जेक्टिव का मतलब ही क्या होता है पर्सन टू पर्सन चेंज होना इट मीन्स इसमें क्या होगा देखो कोई अगर हमारे फिक्स एसेट्स में अमाउंट इंक्रीज होता है तो कोई ये मानता है कि भाई ठीक है हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं और किसी दूसरे जो है पर्सन का ये मानना होता है कि एसेट्स नहीं इसके साथ साथ हमारी जो फिक्स कॉस्ट है रिस्क भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाती है एक सब सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाती है ठीक है जो कि पर्सन टू परसन डेफर करती है उसके बाद है अप्रोच अप्रोच भी एक मेन लिमिटेशन है और ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था कंजरवेटिजम अप्रोच कैसे लिमिटेशन है क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म मेथड क्या कहता है कि लॉस को लेके चलो लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट है उनको इग्नोर करो अब आप सोचने की बात है अगर आप फ्यूचर के लॉस ले रहे हो तो फ्यूचर में हमें क्या प्रॉफिट भी होगा तो दोनों चीजों को कंसिडर करना चाहिए लेकिन कंजर्वेटिज्म मैथड इस चीज को इग्नोर करता है और कहता है कि ओनली लॉस लॉस लेके चलो क्योंकि futures में profit की कोई guarantee नहीं है लेकिन लॉस हो सकता है तो लॉस हो सकता है तो प्रॉफिट भी होगा लेकिन कंजर्वेटिज्म अप्रोच की वजह से ही जो अकाउंटिंग है वो हमारा जो बेस्ट रिजल्ट है वो नहीं दे पाती कहीं ना कहीं ये भी क्या बन जाती है उसकी लिमिटेशन बन जाती है उसके बाद है पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड जो पास्ट रिकॉर्ड है उनका हम क्या कर सकते हैं पोस्टमार्टम कर सकते हैं मतलब एनालिसिस जो हम है इस तरीके से करेंगे जो कि हमारे फेवर में हो ठीक है उस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे जो कि हमारे फेवर में नहीं आ रहा है जो जो डाटा हमारे फेवर में है हम सिर्फ उसी का उसी को दिखाएंगे ठीक है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम पास्ट रिकॉर्ड का पोस्टमार्टम कर सकते हैं अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है केस हमारा जो फ्यूचर में था वो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा था ठीक है लेकिन जो पास्ट में था फ्यूचर में है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है लेकिन जो पास्ट में है वो बहुत ही कम है तो हम क्या करेंगे उस डाटा को पास्ट को नहीं लेके जो प्रे फ्यूचर के दो तीन साल हैं उन्हीं की एवरेज प्रॉफिट को शो करते रहेंगे इससे क्या होगा हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो बहुत ही हाई दिखाएगा ठीक है क्यों क्योंकि जो पास्ट में है हम उस डाटा को इग्नोर कर रहे हैं और इसी तरह जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उसमें भी इस चीज को क्या किया जाता है यूज किया जाता है डाटा को हम अपने अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं चेंज करते हैं क्यों क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कोई जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर सीएम है कोई ये कहता है कि फाइव परसेंट जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है कोई ये कहता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो सेवन परसेंट इंक्रीज हुई है क्यों क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कैसे आता है डाटा तो सेम है हमेशा सेम ही सभी को मिलेगा लेकिन क्या है जो हम बेस ईयर मानते हैं वो दोनों क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है मान लो उन्होंने बेस ईयर माना हो नाइनटी एटी एट और उन्होंने बेस ईयर माना हो नाइनटी सेवेंटी वन तो इससे क्या होगा इस बेस ईयर से हम उस चीज को अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर सकेंगे रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो ये थी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग तो हर एक चीज की कोई बेनिफिट होता है तो बेनिफिट के साथ साथ उसकी लिमिटेशन भी होती है तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवाइज़ करते हैं तो आपके माइंड में उसकी एक छाप बन जाती है और जिससे आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे और कहीं पर भी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखो हर एक पॉइंट को लेकर चल रहे कोई भी पॉइंट बीच में हमने स्किप नहीं किया है अगर किसी वजह से रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक like और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें सो so फर्स्ट हमारा था नो मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन को हम क्या नहीं कर सकते रिकॉर्ड नहीं कर सकते सेकंड है विंडो ड्रेसिंग का क्या पड़ता है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है थर्ड है नो कंसीडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंज प्राइस लेवल चेंज को क्या नहीं करता कंसीडर नहीं करता लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग मैथड रिकॉर्डिंग मैथड्स हैं जो उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी कि उनमें सेम इक्वल नहीं होती कोई किसी को यूज करता है कोई किसी को यूज करता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस उसके बाद है सब्जेक्टिव मेथड सब्जेक्टिव मेथड मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होगा चेंज होगा जहाँ पे भी सब्जेक्टिव वर्ड आ जाएगा ना वहाँ पर आप यही उसका जो मीनिंग है वो यही लेके चलोगे कि जो भी है सबके अकॉर्डिंग क्या नहीं होगा सेम नहीं होगा अब सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ जाता है ठीक है कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है उसकी क्या पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो कोई किसी पॉइंट को लेकर चलेगा कोई किसी पॉइंट को लेकर चलेगा पर्सन टू एक ही क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन में सब बच्चों ने सेम लिख रखा लेकिन मार्क्स अलग अलग क्यों आते हैं क्यों क्योंकि ये सब्जेक्टिव मेथड हो गया और टीचर्स के ऊपर क्या होता है हर एक चीज़ का अलग अलग इफेक्ट होता है कि भाई इसने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसने ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है इसने एक्सप्लेन और उन्हीं क्वेश्चंस को सेम दूसरे टीचर से अगर आप करवाओगे चेक तो उनके मार्क्स में क्या आएगा डिफरेंस आएगा सेम मार्क्स वो टीचर नहीं दे सकता क्यों क्योंकि वह क्वेश्चन कैसे हैं सब्जेक्टिव हैं और इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया जाता है ठीक है तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बट हर एक को एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत ही आसान तरीका होता है ताकि आपके जो माइंड है उसमें क्लियरिटी हो जाए उसके बाद है कंजरवेटिजम अप्रोच ये पता ही दिया कंजर्वेटिज्म अप्रोच का क्या मतलब होता है कि ओनली ओनली पास्ट जो प्रेजेंट के लॉस है उनको लेके चलो और जो प्रेजेंट के प्रॉफिट्स है उनको क्या कर दो इग्नोर कर दो बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद क्या है पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड यानी कि पास्ट रिकॉर्ड का अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम करना ठीक है सो थैंक यू सो मच वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और उसके साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कमेंट नहीं करते हैं जिसकी वजह से दोनों साइड से कम्युनिकेशन स्किल नहीं बन पाता है अगर आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या फिर अच्छे से आप समझ पा रहे हो प्लीज़ ये ज़रूर बताया करो कि आपको कुछ समझ में आया है या फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है या फिर स्पीड इंक्रीज़ करनी चाहिए या ये आपकी सही रहेगी सो थैंक यू अगेन